स्पेशल आपके व्यूअर्स के लिए जो आपका वीडियो लेके आएगा या वीडियो के लिंक लेके आएगा, अच्छा उसको स्पेशल पार्टीज में स्पेशल डिस्काउंट देंगे। अच्छा, ये पार्टीज के लिए है स्पेशली, मतलब पार्टीज अगर कोई करेगा तो उसके लिए है। उसके लिए सर। अच्छा, तो बहुत बढ़िया जी। अगर कोई भी आके यहाँ आके ये कहता है कि लेट मी टेस्ट चैनल की वीडियो देख के हम लोग आए हैं, तो पार्टीज में आपको स्पेशली एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो जलंधर के फेमस बफे हॉट ड्राइव और स्नैक्स में बड़े फेमस हॉट ड्राइव की एक नई ब्रांच खुल चुकी है जी। लोकेशन आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। 159 में आपको अनलिमिटेड बफे मिल रहा है जी, और पिज्जा भी अनलिमिटेड मिल रहा है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में, देखते हैं किस टाइप का फूड है, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है जी सबसे पहले सैलेड, अनियन और क्यूकम्बर प्लस ये अगर ही सबसे पहले चाइनीज। वाह भाई साहब, नूडल्स, ओए क्या बात है। नूडल्स तो बहुत लोगों की फेवरेट होती है, और हॉट ड्राइव वालों की नूडल्स पूरे जलंधर में फेमस है जी। जबरदस्त, ये आ गया मंचूरियन। वाह भाई साहब, जलंधर में आए हो ना, हॉट ड्राइव का मंचूरियन ट्राई करके देखना, यू विल लव टू हैव दिस। और ये आ गया जी रेड सॉस पास्ता। वाह नाइस। ये है जी नेक्स्ट स्नैक्स में चांप। वाह, ये तंदूरी चांप टिक्का स्नैक्स में मैं देख रहा हूँ इधर, चाइनीज और स्नैक्स में ला के चार आइटम्स। और ये आ गया इधर राइस। वाह, ये मटर राइस है, ब्यूटीफुल। तो भाई साहब ये आ गया जी आगे कढ़ाई पनीर। वाह जबरदस्त कलर। और मैं एक चीज़ बता दूं, स्नैक्स में आइटम्स जो हैं या अदरवाइज भी बफे में पूरे में आइटम्स जो हैं वो डेली चेंज होती रहती हैं। ये आ गए जी दाल मखनी। ओए होए क्या बात है। और हॉट ड्राइव वालों का वैसे फूड आई एम श्योर कि हमेशा बढ़िया ही होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार ट्राई किया। ये आगे जी आगे राजमा। वाह, सो आइटम तो एक से बढ़ के एक है जी भाई साहब। ये आगे जी आगे तवा चाप। ओए होए ग्रेवी वाली। वाह, हॉट ड्राइव वालों का फूड तो देख के मुँह में पानी आ जाता है जी। और ये आगे जी मिक्स वेज, क्या बात है जी भाई साहब। ओए होए जबरदस्त, सच में मुंह में पानी आ रहा है जी देख के। मेरा दिल कर रहा है जल्दी जल्दी से खाऊं ये मिक्स्ड रायता। और ये कुछ सॉस वगैरह दी हुई है इधर, ये अनियन सिरके वाला और साथ में ग्रीन चटनी और इधर अचार वगैरह। सर हॉट ड्राइव अप्रॉक्सीमेटली 15 साल पुराना ब्रांड है सर। अभी इसकी सर 3 ब्रांचेज है, एक PPR मार्केट में, एक सोडल में और एक ज्योति चौक में मेरी फ्रेंचाइजी है सर। 15 साल पहला मेरे फादर साहब ने स्टार्ट किया सर, सोडल मंदिर के साथ में हमने बफे स्टार्ट किया है, नया अपना आउटलेट है। अकेला बफे नहीं है सर, अलाकार्ट भी है, प्रॉपर फाइन कैफ़े भी है अपने पास। यहाँ पे हम सब किटी पार्टीज, बर्थडे पार्टी सब ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रॉपर 40 पैक्स की गैदरिंग है, हम यहाँ पे कर सकते हैं। बफे का प्राइस क्या रखा है वैसे आपने? सर बफे 159। हाँ जी सर, बफे में अप्रोक्सीमेट 20 आइटम्स है सर। 20 आइटम्स, ओके। और पिज़्ज़ा आई थिंक अनलिमिटेड है ना? अनलिमिटेड पिज़्ज़ा है सर, पास्ता है। सर क्वांटिटी कोई भी बढ़ा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, पर उतनी क्वांटिटी की क्वालिटी मैनेज करनी पड़ती है। क्वालिटी मतलब A1 मिलने वाली है, जो हॉट ड्राइव जिसके नाम से जाना जाता है। दैट्स फैंटास्टिक सर। ये हमारा मॉकटेल काउंटर है। ओके ओके, यहाँ पे सर हॉट कॉफी, सैंडविचेस, हर तरह की मॉकटेल्स, बिल्कुल डिफरेंट फ्रेश फ्रूट वाली मॉकटेल्स, सारा कुछ यहाँ पे है अपने पास। सारा मेनू आला कार्ट का मेनू है, बफे तो चलो है ही है, उसके साथ ये भी है। हम अगर बफे में कुछ ऐड ऑन करवाना चाहे, मोजीतो वगैरह कुछ भी, वजन मोजीतो वगैरह, कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी सब यहाँ से हम ऐड ऑन कर सकते हैं। एडिशनली ऐड हो जाएगा, एडिशन में ऐड ऑन हो जाएगा कुछ भी आप बफे में। अच्छा, वैसे बफे होगा, अकेला बफे होगा, इससे आप ऐड ऑन नहीं, इससे आप कुछ भी ऐड ऑन करवा सकते हो, आइसक्रीम, एनीथिंग। ओके हाँ जी सर, यहाँ पर हम पार्टी ऑर्गेनाइज भी करते हैं सर। अच्छा, पार्टीज, हाँ, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टी, सारा सारा अपने पास प्रिपरेशन है, वो सारा अरेंजमेंट है। 40 पैक्स की अपने पास गैदरिंग है यहाँ पे। अच्छा, कर सकते हैं। Very nice. और सर ऐसे अनबिलीवेबल रेट्स पे करते हैं तो नोबडी कैन इमेजिन। अच्छा, मतलब वो क्या प्राइस दे रहे हो पर प्लेट? सर हम 500 में 8-9 स्नैक्स दे रहे हैं। अच्छा, 500 में 8-9 स्नैक्स दे रहे हैं। नाइस, इंक्लूडिंग डेकोरेशन दे रहे हैं। अच्छा हाँ जी, क्या बात है। अप्रॉक्सी 6 तरह की हम मेन कोर्स ग्रेवी, मेन कोर्स में 6 आइटम्स अनलिमिटेड अपने पास। स्वीट डिश है उसमें। अच्छा, स्वीट डिश अनलिमिटेड, मॉकटेल सारी अनलिमिटेड है। अच्छा क्या बात है, मतलब हॉट ड्राइव पूरी जबरदस्त ऑफर के साथ आया इस बार। तो चलिए भाई साहब अब करते हैं फूड टेस्ट। ये लेते हैं जी सैलेड थोड़ा सा, ये ले लीजिए मैंने थोड़ी सी नूडल्स, मंचूरियन। वाह, हॉट ड्राइव के ना स्नैक्स तो ज़रूर ट्राई करने बनते हैं। ये मैंने ले लिया पास्ता, ये ले लीजिए चांप। अब थोड़ा थोड़ा सारा कुछ ट्राई करना है मैंने। ये ले लिया जी राइस,
ये ले लिया चीज, दाल, राजमा। ये भाई साहब इनकी तवा चाम भी छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, ज़रूर टेस्ट करनी है। और ये इनकी मिक्स वेज, तो मैंने तो कर लीजिए अपनी प्लेट बिल्कुल फिल, जगह छोड़ी नहीं है कोई भी। बाकी जो चपाती वगैरह है वो टेबल पे आएगी। एक और चीज़ बता दूँ, पिज़्ज़ा भी अनलिमिटेड है, वो भी टेबल पे सर्व होएगा। तो देखते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है भाई साहब, पैसे पूरे करने हैं, टेबल पे चलते हैं। मुँह में सच में पानी आ रहा है यार, ज़बरदस्त मज़ा फूड को ना देख के ही, मतलब देखने में पता लग रहा है कि फूड की क्वालिटी बहुत बढ़िया है भाई साहब। पिज़्ज़ा अनलिमिटेड है, जितना मर्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को एक स्लाइस दे दो आप, अगर ज़रूरत होएगी तो फिर और ले लेंगे, है ना, क्योंकि फूड फेंकना नहीं है। अगर वेस्टेज करोगे तो 100 रुपीज़ चार्जेज है उसके, सो उतना लो जितना आप खा सकते हो। तो चलिए पहले पिज़्ज़ा ही करते हैं टेस्ट। पिज़्ज़ा गर्म है, गर्म है जी, प्रॉपर टॉपिंग अच्छे से हुई हुई है। और ये कॉर्न पिज़्ज़ा है, नाइस, बहुत बढ़िया टेस्ट है। पिज़्ज़ा ना नॉर्मली बफेज में कम टेस्टी मिलता है, लेकिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। चपाती कितने टाइप की चपाती है? चार टाइप की। अच्छा अच्छा, लच्छा परांठा, बटर नान, मिस्सी रोटी और प्लेन रोटी। तो पिज़्ज़ा तो बहुत टेस्टी है, नूडल्स को करते हैं टेस्ट अब। ये है जी ओरिजिनल हॉट ड्राई वालों का टेस्ट, 10/10। मंचूरियन को करते हैं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि जो नॉर्मली टेस्ट पर को मिलता है आज यहाँ पे भी वही मिल रहा है। वो नाइस, ये ट्राई करें, आई एम श्योर कि ये बढ़िया होनी चाहिए। ये चाँप हल्की हल्की खट्टी है, जो कि टेस्ट होना ऐसे ही चाहिए था। ये करते हैं जो पास्ता टेस्ट। तो भाई साहब स्नैक्स में तो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। मैं पहले आपको जल्दी जल्दी से बता दूँ दाल वगैरह का क्या टेस्ट है। आई थिंक इट शुड बी फैंटास्टिक। प्रॉपर दाल मखनी है, बटर का टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है और दाल बहुत बढ़िया बनी हुई है यार। राजमा, राजमा में ना, हालांकि दाल में भी सेम था, लेकिन बिल्कुल आप कह सकते हो कि बैलेंस्ड से मसाले पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ स्पाइसी नहीं है। अब सो ऑल टुगेदर मैं आपको यही कहूँगा, स्नैक्स भी बहुत बढ़िया हैं, बाकी का जो फूड है वो भी बहुत बढ़िया है, और जो मसालास हैं वो बहुत नॉर्मल से डाले हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगने वाला। सो आई कैन से कि वन ऑफ द बेस्ट बफेज इन जलंधर। मैं यही कहूँगा अगर इधर आते हो ना तो ज़रूर ट्राई करना, आपको एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आप करता हूँ फूड को फिनिश और इन्जॉय, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जगह पर, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।